पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आध्यात्मिक धर्म के उपदेशक रमेश भाई ओझा ने सनातन पर प्रहार करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना धर्म से रहित पशु के समान की है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर को मानो या ना मानो, लेकिन धर्म को तो मानो। जो धर्म को नहीं मानता वो धर्म रहित पशु के समान है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी को नेशनल लीडर बताते हुए कहा कि कोई भी उकसाने वाली बात देश के विरुद्ध होगी। रमेश भाई ओझा जी ने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर पूछे गए सवाल पर बोलते हुए कहा कि बहुत ही आनंद और गौरव का विषय है और सनातनियों के लिए बड़े ही संतोष का भी अवसर है कि 500 वर्षों के संघर्षों के बाद सनातनियों को न्याय मिला है। अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। भगवान राम हमारे सभी के जीवन में भी प्रतिष्ठित हो। बहुत ही आनंद और गौरव का विषय है और सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बड़े संतोष का भी अवसर है, क्योंकि 500 वर्ष के संघर्ष और प्रतीक्षा के पश्चात सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को न्याय मिला है और अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा हुई है। पूरा वातावरण राममय है। हम ये प्रार्थना करते हैं भगवान श्री राम को कि जिस तरह से आप मंदिर में विराजमान हुए, हमारे मन मंदिर में भी आप प्रतिष्ठित हों और इस तरह से जीवन हमारा विशेष रूप से राममय बने। बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। अगला सवाल है, कोर्ट ज्ञानव्यापी मंदिर को लेकर फैसला आ गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया है। न्यायिक प्रक्रिया चलती रहेगी। एक पक्ष के फेवर में कुछ आता है फैसला तो दूसरा पक्ष उसका विरोध स्वाभाविक रूप से करता है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि न्याय प्रक्रिया का आदर तो करना ही पड़ेगा। इस देश में रहते हैं, इस देश का संविधान, और न्याय प्रक्रिया का आदर करो, न्यायालय का आदर करो। वो जो फैसला देता है वो फिर स्वीकार करना पड़ेगा। न्यायालय तो तथ्यों के ऊपर आधार रखते हुए अपना फैसला सुनाता है। एक नेता है AIMM के, असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने ये कहा है कि इस फैसले को ही गलत बता दिया है। उनका कहना है कि 6 दिसंबर की घटना दोबारा दोहराई जा सकती है। कोई भी उकसाने वाली बात वो देश के विरुद्ध में होगी। सद्भावना का वातावरण बना रहे और जो कानूनी प्रक्रिया है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसका आदर करते हुए यात्रा करो, उसमें आगे बढ़ो और फिर न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करो। इस तरह से बोलना जो नेशनल लेवल के जो नेता है उनको शोभा नहीं देता। एक इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं तौकीर रजा, उनका भी एक लगातार बयान आ रहा है। उनका कहना है कि मुसलमान जो है देश प्रेम की वजह से सब्र कर रहा है, हमारे नौजवान अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो देश में जंग का माहौल। ये निवेदन भी भर्त्सना के योग्य है। आप कहीं ना कहीं शब्दों के जाल के साथ लोगों को उकसाने की चेष्टा कर रहे हो, लेकिन देश का युवा वो समझदार है। देश नेशन फर्स्ट, संविधान और न्यायालय प्रक्रिया का आदर करो। एक अंतिम सवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य है, हिंदू नेता है, समाजवादी पार्टी के नेता है, लगातार वो सनातन धर्म पर चोट कर रहे हैं। वो हिंदुओं के विपक्ष में जाकर बयान करते, कभी वो राम को नहीं मानते, कभी वो कहते हैं कि पूजा को नहीं मानते, क्या ईश्वर को मानो या ना मानो तुम्हारी स्वतंत्रता है, लेकिन धर्म को तो मानो। हमारे कई धर्म इतने हैं, ऐसे हैं विश्व में जो ईश्वर का स्वीकार नहीं करते। बुद्धिज्म में ईश्वर का कहाँ स्वीकार है, जैनिज्म में कहाँ ईश्वर का स्वीकार है, लेकिन वो धर्म तो है ना। तो धर्म के वो जो मूल्य है वो अपने जीवन में होना ही चाहिए। धर्म को तो मानो। यदि धर्म को नहीं माना तो धर्मेण हीना पशुभिः समाना, धर्म से रहित पशु के समान हो जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।